फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन है डिसेंट्रो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत इजी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी फुल डिटेल के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इस पर कटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करके रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इस पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका नीचे से कपड़ा सीधा नहीं है तो आपको लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंथ लेंगे कि हमें तैयार ब्लाउज़ की लेंथ कितनी रखनी है। तो देखिए, इसमें मैं तैयार ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 इंच रखूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं 1 इंच मार्जिन का प्लस करूँगी, क्योंकि इसमें मैं नीचे स्टिचिंग करूँगी, तुरपाई नहीं रखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच मार्जिन का प्लस कर रही हूँ, तो टोटल लेंथ मैं इसकी 14.5 इंच रख रही हूँ। हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो देखिए, शोल्डर हम 36 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 5.25 इंच। फिर हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे 5.25 इंच। ठीक है, हम यहाँ पे 36 चेस्ट साइज़ का चौथा भाग लेंगे। तो देखिए, चौथा भाग कैसे निकालते हैं मैं आपको इंच टेप की सहायता से बता देती हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे हमारा 36 आ रहा है, तो इस इंच टेप को हम दो बार फोल्ड करके इसका चौथा भाग निकालेंगे। तो इसे एक बार फोल्ड किया मैंने और इसको दूसरी बार फोल्ड किया, तो इस तरीके से हम चौथा भाग निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये आ गया 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 36 चेस्ट साइज़ का चौथा भाग 9 इंच होगा। और उसके बाद में मार्जिन का हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नीचे कमर का नाप लेंगे। तो कमर है वो है 30 इंच, तो 30 का हम यहाँ पे चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। और फिर 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन का, और 1 इंच हम और लेंगे क्योंकि बैक पार्ट्स में हमारी दो प्लेट्स आती है 1/2 इंच की, ठीक है। तो इसलिए 1 इंच हम और लेंगे। और अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये जो बैक पार्ट का मेज़रमेंट है वो मैंने ले लिया है चेस्ट और वेस्ट का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गुलाई देंगे। तो देखिए, ये ब्लाउज़ हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 इंच की हम यहाँ पे बाहर की तरफ से लेंगे 1/2 इंच। और अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और बाहर वाली लाइन से हमें 1.25 इंच पे गुलाई देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गुलाई देंगे। तो ये हमने गुलाई दे दी। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ का नाप लेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 2 इंच, ठीक है। अगर आप बैक पार्ट्स में डोरी लगा रहे हो तो आप 2.25 इंच भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे 8.5 इंच। नेक की लेंथ चाहे आप 9 इंच भी रख सकती हो या 9.5 इंच भी रख सकती हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 8.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से हम विड्थ में लेंगे 3 इंच इस तरीके से। और अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉक्स बना लिया है, और अभी यहाँ पे हम गुलाई देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गुलाई देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमने गुलाई भी दे दी है और ये बैक पार्ट्स की मैंने आपको मेज़रमेंट बता दिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की, और अब इसमें हम गुलाई देंगे आर्म। तो अब हम इसमें टक्स डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ओपन करके रख लेंगे और यहाँ सेंटर से एक मार्क कर देंगे, जिससे आपको पता चले कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। और यहाँ से हम विड्थ में लेंगे 4 इंच, ठीक है। और लेंथ इसकी रखेंगे हम 5.5 इंच, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी टक्स डाल देंगे। विड्थ में लेंगे हम 4 इंच और लेंथ इसकी रखेंगे 5.5 इंच,
विड्थ में हम यहाँ पे लेंगे, विड्थ में लेंगे 4 इंच और लेंथ रखी इसकी 5.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, पे मैं आपको टक्स वाला जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है उसकी कटिंग बता रही हूँ, तो बेल्ट की कटिंग हम बाद में अलग से करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि 1/2 इंच लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। तो यहाँ से 1/2 इंच साइड से हम हाई हुक की पट्टी के लिए ले लेते हैं। टेप की सहायता से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। और यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 9 इंच। ठीक है, और मार्जिन का 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ रखेंगे इसके अंदर, तो फ्रंट पार्ट की हम इसके अंदर लेंथ रखेंगे, फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो रखेंगे 12.5 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ 12.5 इंच पे मैंने मार्क किया इस तरीके से। और यहाँ पे हम लेंगे कमर का नाप, तो कमर है वो है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। इतना हमने चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट ले लिया है। अब जब टक्स डालते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। टक्स के लिए यहाँ पे हम 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं, तब हमें यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच लेना होता है। ठीक है, और नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इतना हमें टक्स डालने के लिए मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और ये हमारा जो मेज़रमेंट है वो कम्प्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर गुलाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गोलाई किस तरीके से देंगे, तो सबसे पहले हम 1/2 इंच अंदर की तरफ से लेंगे इस तरीके से, और लाइन को यहाँ से मिला देंगे अंदर वाली लाइन से। ठीक है, और फिर देखिए अंदर वाली लाइन से हमें 1.25 इंच पे गोलाई देनी है इस तरीके से। तो देखिए ये हमने गोलाई दे दी है। ठीक है, तो अब हम इस गोलाई को कट कर लेंगे। पे मैंने गोलाई दे दी है और अब हम यहाँ पे नेक की लेंथ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेक की विड्थ रखते हैं 2 इंच, क्योंकि बैक पार्ट्स में भी 2 इंच ही रखी है हमने। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे नेक की लेंथ, तो नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच रख रही हूँ। ठीक है, नेक की लेंथ चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और यहाँ पे हम विड्थ में लेंगे 3 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले इसका बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लिया है और अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये अपने गोलाई दे दी है नेक की। तो सबसे पहले भी इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टक्स पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो टक्स पॉइंट रखेंगे हम यहाँ पे 11 इंच पे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटर इंच टेप का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ से इस टक्स की लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। ठीक है, देखिए ये जो नाप बता रही हूँ वो मैं 1/2 इंच है उसको लेते हुए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 इंच लेंथ लेनी है पूरी, और यहाँ से विड्थ में आपको लेना है 4 इंच। ठीक है, और इसकी लेंथ रखनी है हमें 2 इंच। ठीक है, और 0.75 इंच 0.75 इंच हम दोनों तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए इन दोनों के बीच में 2 इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम लेंथ में लेंगे 2 इंच,
और अब इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। मिला दिया है, अभी यहाँ पे 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसको हम आरमोल से मिला देंगे। तो देखिए ये गोल राउंड सर्कल बनना चाहिए, गोल राउंड सर्कल बनना चाहिए इस तरीके से। तो अब हम यहाँ तक फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम आके बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट की किस तरीके से मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इतना कपड़ा बच गया था तो इस पर हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ से हम लेंगे 4 इंच, ठीक है, और बीच में से हम लेंगे 3.5 इंच, पीछे की तरफ भी 3.5 इंच लेंगे, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने बेल्ट के अकॉर्डिंग रखी है 3.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से इसकी लेंथ है वो मैंने रखी है 11.5 इंच, अगर बाद में छोटा बड़ा हो तो आप उसे कट कर सकते हो। और अब हम इन तीनों को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पे हम इस तरीके का शेप देंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट बन चुका है और यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेल्ट के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया है और यहाँ से 4 इंच है और पीछे से। तो अब हम आगे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैक पार्ट के आर्मोल का हम नाप लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बाद में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इंच टेप की सहायता से मैं यहाँ पे बैक पार्ट के आर्मोल का नाप ले लेती हूँ। तो आर्मोल है वो आ रहा है 10 इंच, ठीक है। तो अब हम आगे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इतना कपड़ा बच गया था तो इस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। साथ में हमारी 2 स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो लेंथ है वो है 6 इंच, स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 6 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच लेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए ये अब हम इसको डाउन करेंगे स्लीव्स को, तो इसको हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये तिरछी लाइन ड्रॉ करती है। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप देंगे, और नीचे हम लेंगे स्लीव्स राउंड, तो स्लीव्स राउंड है 5.5 इंच, और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन का इस तरीके से, इसको मिला देंगे। तो देखिए हमारे स्लीव्स का शेप आ चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, तो सबसे पहले अब हम इसको ओपन करके रख लेंगे इस तरीके से और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे आर्मोल की तरफ, तो जिसे हमारी परफेक्ट फिटिंग से स्लीव्स बने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और पीछे की तरफ हम लेंगे 2 इंच और बीच में से हमें लेना है 1/2 इंच, ठीक है। और अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरीके से, इन तीनों को मिला देंगे। तो देखिए एक पत्ती का शेप जो हो जाएगा, पत्ती का शेप जो हो गया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट फिटिंग से हमारे आर्मोल की तरफ गोलाई आ चुकी है और दोनों स्लीव्स में एकदम परफेक्ट गोलाई आई है। ये गोलाई कट करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि हमारे आर्मोल के बीच बीच झोल बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और अब सारे पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक के अंदर भी कट कर लेते हैं। मैंने सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक के अंदर भी कट कर लिया है, ठीक है। तो करेंगे इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कटिंग में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो ब्लाउज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, ज़रूर पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।